पूरी टीम चाहिए होती भैया, टीम चाहिए होती है पूरी। हाँ कैसे भी है, करेले करेले वहाँ पे तो आई नहीं रानी ची कुछ। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले अपने से बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला जय माता दी। करते आज की वीडियो को स्टार्ट, देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर शहर देहरादून से। आज की मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम के 6:30 बजे से, और कोई तो आप सबको पता है, अब कोई रीजन नहीं बताना। मेरी वीडियो ऑलमोस्ट यहीं से स्टार्ट होती है, बाहर चल रही है आंधी तूफान खतरनाक वाली, जो कि मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। और सीमा पढ़े बाद में किताब, क्योंकि उसका और एग्ज़ाम है। और मैं हूँ अंदर, और मैं अभी ना सोच रही हूँ कि कुछ तो करूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी भेल पूरी, एक झालमूरी क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो मैं क्या हुआ ये, एक मिनट। तो मैं आया, क्या हो रहा है फ़ोन का भी। तो मैं आपको ना प्रोसेस दिखाती हूँ अपनी झाल में। मैंने ना लिया है मूढ़ी, तो ये है मूढ़ी, और यहाँ पे मैं डालूँगी एक पैकेट पंजाबी तड़के का, और एक डालूँगी कुरकुरे पैक का पैकेट। इसमें जाएगा प्याज, टमाटर, नींबू, हरी चटनी, लाल चटनी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ना कैमरा ऊपर स्टैंड में ना सेट कर दिया था, और यहाँ पे मैं पहले डालूँगी इसमें कुरकुरे, और फिर इसमें डालूँगी पंजाबी तड़का। और पंजाबी तड़का ना मैं पहले तोड़ना भूल गई, तो मैंने उसे थोड़ा तोड़ लिया। फिर उसके बाद सीमा लाई थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, और ये नींबू है जो सीमा डाल रही है इसमें। हमने इसके दाने अलग कर दिए, फिर उसको फिर मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा इसमें सॉस डालेंगे, और मतलब हरी मिर्ची तो हमने पहले ही 2 काट दी थी, तो उससे तो और भी टेस्ट अच्छा आना है। तो मैंने इससे थोड़ा सा टेस्ट किया, तो इसमें नमक कम था, तो थोड़ा सा नमक सीमा से नमक मंगवाया, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए। तो चलो टेस्ट करते। तो फाइनली बन चुका है हमारा मुरमुरा, और हमने ना कम भी नहीं बनाया, भर भर के बनाया है। देखो जूम कर सकते हो आप लोग, तो बहुत 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 टेस्टी है। खाते हैं फिर मिलते हैं। सीमा अपने लिए प्लेट ला रही, दिखाती हूँ सीमा के लिए। सीमा इतना ही खाती है इस चीज़ों से, हमें भर भर के खाती है। ले ये है बंदा, मैंने जरा तारीफ किया। तो चलो खाते हैं आप लोगों के साथ ना। पी हमने लिया है, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। मैंने तो बाद में क्या किया, एक हरी मिर्च और काट के डाली, क्योंकि जब तक मिर्ची ना लगे ना तब तक स्वाद नहीं आता। तो अब पता नहीं क्यों मेरा मिर्च खाने का बहुत मन करता है, तो मैं मिर्च खाती हूँ, मतलब हरी वाली मिर्च। तो ये हरी वाली मिर्ची जब खाते हैं ना, मिर्च तो लगती है पर उसमें एक अलग सी खुशबू होती है ना, जो अच्छी लगती है, तो बस वही। और अभी खा लिया मैंने, तो मज़ा आ गया। अभी टाइम 7:30 हो चुके होंगे, अभी खाने की तैयारी करनी है। और जब पेट भरा हो ना तब खाने की तैयारी करो, तो कैसा होता है। पर खाने की तैयारी करनी है, तो मैं आपको ना थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनाऊँ क्या क्या नहीं बनाऊँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। माँ का सुन, तो 22,000 का चश्मा रखने की कोई चीज़ है? तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, पीठ लगती है बोले तो मंडी लगती है, ऐसे हमारे प्रेमनगर में नहीं लगती है, दूर लगती है थोड़ा सा बड़ो वाला। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग,
क्योंकि हमें मैं ना, हाँ तो मैंने तो हमें ना नारियल पानी लेना है वहां से, वहाँ ठीक रहता है। तो मॉकसन से इतना हल्ला करते हैं ना जाते समय, इतना हल्ला करते हैं ना। तो चलो चलते हैं, आज आपको भी ले जाते हैं पीठ। तो अभी ना हम घर से चले गए हैं लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते। चलो मैं बात करके देखता हूँ मैं, वो कह रहा है क्योंकि पति, क्योंकि पति देव जी को रहता ना जहाँ जाना जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मैं तो ऊपर रहता है इधर उधर थोड़ा समय से बन के निकालना है। चलते हैं और थोड़ी सब्जी लेंगे, मेन तो हमारा नारियल पानी है वो लेंगे। अब कैसे लेंगे पता नहीं, क्योंकि बाइक है तो बाइक में अच्छे से नहीं आता ना, स्कूटी रहती स्कूटी में अच्छे से आ जाता है। तो वोटर आईडी भी ऑनलाइन निकल गया। चलो चलते हैं आज दिखाते हैं, पहली बार देखोगे आप मेरे। हाँ मेरा एक बार जेठानी जी के पास जब गई थी तब भी मैंने दिखाया था ब्लॉग वहाँ का, लेकिन दिक्कत पीठ लगता है ऑनलाइन तो निकल। आज भी चल मेरे ब्लॉग में प्रेम नगर से आज ही दिखाऊंगी, पहली बार जा रही हूँ। और सब्जी मंडी खुली होनी चाहिए भाई, बंद ना हो जाए पता चला के। एक बार चंडीगढ़ में पता कर पता चला कि बंद हो गया और हमारा पोपट हो गया। पोपट में तो बंद है। तो चलो बिना देरी करते चलते हैं। अभी ना पतिदेव जी गए हैं पैसे निकालने के लिए एटीएम में, और आज पतिदेव जी पहली बार जाएंगे मेरे साथ सब्जी मंडी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो भी देखेंगे। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे मंडी, और मंडी खुला है भगवान की दया से आज खुली है। चलो चलो, आज तो भगवान ने हमारी सुनी, आज खुला है, आज हमारा पोपट नहीं हुआ। आपके मोहल्ले में आपकी गली में आज तुम ही छोटो दे भाई सब्जी। टमाटर भी पेड़ टमाटर यहाँ आके लगता है सब्जी मंडी वाली फीलिंग, क्योंकि हमारे इधर नहीं लगती है ना, तो हमें यहाँ आके और यहाँ पे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्या बताना। हेलो सुनो तो, यहाँ आके आ रही है ना सब्जी मंडी वाली फीलिंग। भिंडी पूछो तो वहाँ पे, वहाँ पे पूछो भिंडी। तो आज ना पतिदेव जी पूछ रहे हैं यहाँ पे सब्जी। यहाँ आज आप ही लोगे भाई सारी सब्जी। छाटो यहाँ ना पता नहीं किस चीज का सारी यहाँ पे खुली मिर्च है उसी का वो लग रहा है मुंह पे नाक पे ना, और बहुत छींक आ रही है। अभी एक दो सब्जी और लेते हैं, आज पतिदेव जी ने भी सब्जी बहुत खरीदी। बीन्स पूछा था करेले वहाँ पे तो आई नहीं रहा नीचे कुछ। हेलो नीचे कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे। भिंडी कैसे है, भिंडी कैसे है। तो यहाँ बहुत धूल हो रही, बहुत धूल, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। मतलब अगर मंडी आए तो मास्क लेके जरूर जरूर आए है ना। तो यहाँ हम नारियल पानी के लिए आए थे, मिल गया, मिल गया हमें नारियल पानी। पानी सो के दो, सो के दो, सो के दो, नारियल पानी सो के दो। 60 वाला पपीता 40 रुपए किलो। वहाँ पे पतिदेव जी ले रहे हैं आलू। उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है भैया, टीम चाहिए होती है पूरी।
फॉलोवर तभी तो बढ़ते हैं। हाँ। हम लोग गोल्डन विवेक बोल के ना यूट्यूब में सर्च करना। उसका प्रैंक मैं हमेशा देखता हूँ। प्रैंक प्रैंक कोई भी हो वायरल ही होता है भैया। आईटीएन है वो और मतलब रिच उसका है वो। हाँ, वो किसी नेता का भी हैकर जाता है वो। एथिकल हैकर जी। अब जी खरीद के पतिदेव जी आप ले रहे हैं पकौड़ी का लगा। कैसा लगा? बढ़िया। ये देखो ये है हमारी पकौड़ी और ये खा रहे हैं पतिदेव जी। आज पहली बार किया ना सब्जी वाला शॉपिंग। तो एक ऐसा ना वो भाग जाए वहाँ से। कौन? एक टेस्ट कर लेते हैं। पतिदेव जी जा रहे हैं नारियल का कट्टा लेने के लिए क्योंकि हमने वहाँ पर ना नारियल छोड़े थे क्योंकि यहाँ पर सामान हमारे पास ज़्यादा हो गया था। एक कट्टा नीचे है, एक बैग भरा है। तो बस ये। और यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ देख लो, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पर मंडी की वजह से। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, स्कूटी ही स्कूटी। ये होता है पीठ। और अभी तो मैंने यहाँ पर ना आप लोगों को ना वो नहीं दिखाया, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको ना वो नहीं दिखाया, मतलब जो कपड़े वपड़े हो रहते हैं यहाँ पर, अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, मतलब मुझे तो अच्छे ही लगते हैं यहाँ पे। वो नहीं दिखाया मैंने क्योंकि हम सब्जियाँ लेने में, और मैंने कपड़े इसलिए नहीं दिखाए ना क्योंकि हम सब्जी लेने पे ही थे और धूप बहुत उड़ रही थी। तो हमने सोचा कपड़े वाला ब्लॉग फिर कभी बना लेते हैं। अभी ना अभी सीधे सब्जी लेते हैं कि ना आप पतिदेव जी आने ही वाले हैं तो मैं आप लोगों को ना सीधे घर मिलती हूँ और घर बताती हूँ आज क्या क्या हुआ। आज बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ जो कि मैं आपको बताऊंगी कि घर जाके। तो सामान भी ज़्यादा है, देखते हैं कैसे ले जाऊंगी मैं। तो घर पहुंच के सब्जी वब्जी लगा दी है और ना सीमा ने सब्जी बना दी थी और मैं घर पहुंचते पहुंचते 9:30 हो ही गया था। पर वहाँ पे हमें ना सही पड़ा सब कुछ, नारियल पानी वगैरह सब्जी वगैरह जो भी था सही पड़ा। और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बता रही थी कि हाँ कि कुछ हुआ मेरे साथ। तो मैं ना पतिदेव जी कुछ आलू ले रहे थे तो मैं उनका ब्लॉग ही बना रही थी। तो वहाँ पे एक भैया थे तो भैया बोलने लग गए, पहले तो हंसने लग गए क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर इन्होंने पतिदेव जी ने देखा तो पतिदेव जी ने बोला कि वो ना ब्लॉग बनाती है करके। तो बोला हाँ हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद बोला कि ना आप अपना चैनल का नाम बता दो, मैं सब्सक्राइब करूँगा और देखूँगा भी। तो फिर पतिदेव जी ने हमारे चैनल का नाम बताया। तो मतलब तो फिर उन्होंने ना बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप ना ऐसा करो कि आप प्रैंक वीडियो बनाओ, उस पर अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छे इनकम होती है उस पर। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है प्रैंक वीडियो देखना, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा देखता हूँ। और कुछ विवेक करके कुछ नाम भी बताया था कि जिनका कि यूट्यूब पर चैनल है और बोलते हैं कि उनका मैं बहुत प्रैंक वीडियो देखता हूँ। और क्या कि हाँ और क्या बोला, और हाँ तुम प्रैंक वीडियो बनाओ, फिर उसमें ना रिस्क भी होता है कोई, मतलब हाथ वाथ झगड़ा वगड़ा हो जाता तो मैं ना तुम मुझे ना अपना वो रख लो, क्या बोला, बाउंसर रख लो करके। तो मतलब मजाक कर रहे थे वो एक तरफ से। और अगर मेरे पास ना थोड़ा सा, अगर पता नहीं मैंने उस टाइम वीडियो ऑन किया था नहीं किया था इतना मुझे कन्फर्म नहीं है, अगर होगा तो मैं ऐड करूँगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे ऐसी बोल देती है, अगर होगा तो मैं ऐड करूँगी वीडियो में, या पहले ही कर दिया होगा जो भी होगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जो लोग एडवाइस देते हैं, ये जो लोग मतलब देख के बोलते हैं ना हाँ आजकल तो दुनिया हर घर में ब्लॉगर है, हर घर में ये है, हर घर में वो है, तो उनको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब उनको तो मिलने का मन ही नहीं करता दोबारा। पर जो लोग ना थोड़ा सा अच्छा बोलते हैं ना, मतलब तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। और मतलब उनको लेने मतलब स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना तो बोला कि आप हमें चैनल का नाम बता दो, मैं सब्सक्राइब करूँगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग यूट्यूबर होता है उनके लिए यही बहुत काफ़ी होता है, इतना बोलना ही काफ़ी होता है। बाकी जहाँ तक रहे कि हर घर में यूट्यूबर है तो बहुत सही बात है। मैं तो सोचती हूँ हर घर में क्या, हर घर में दो दो यूट्यूबर हों एटलीस्ट। इतनी बेरोजगारी में अगर यूट्यूबर होगा उसकी इनकम भी होगी। हम ना कि हम भी तो किसी न किसी की वीडियो देख के या उनका व्यूज़ बढ़ा के उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं ना, तो क्यों ना अपने ही भाई बंधु का देखें अपनी। पर हमारे यहाँ पे उल्टा ही होता है, हमारे उत्तराखंड में ना ये सब चीज़ें ही गोल गोल होती हैं। तो बस खैर मुझे तो नहीं लगता, मेरे को तो जितने ज़्यादा यूट्यूबर हो उतने अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस यही था जो यही बात बतानी थी।
राजपति देव जितने परेशान हो गए ना होता, क्योंकि वो पहली बार गए सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए और सारा चीज भारी भारी था। तो अगर आएंगे तो एक बार मैं पूछूंगी, क्योंकि वो अभी बाहर हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग, और होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बाद में मिलूंगी तो देखते हैं। आज हमारे घर पे बनाया चने की दाल, और पर यार उसी हिसाब से सब्जी बहुत महंगी है यार, मतलब बस मैं हमारा नारियल पानी था, नारियल पानी आ ही गया, पर अब खर्चा तो होता ही, पता नहीं क्यों, जबकि सस्ता भी रहता पर खर्चा पता नहीं क्यों ज़्यादा होता है। पति देव जी ने तो वहाँ पर पकौड़ी वकौड़ी भी ऐसी चटकाई ना, क्योंकि वहाँ पर देख के ना लालच आ ही गए इनको, इनके चक्कर में ना मैं भी खा ही लेती हूँ फिर से। पर मैंने सिर्फ एक पीस खाया था मैंने बस, उसके बाद मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मैंने शाम को वो खाया था ना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उससे मेरा पेट भरा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, खाती तो उल्टी हो जाती, तो इसलिए मैंने वो बिल्कुल भी नहीं खाया, बस एक पीस खाया। और अपने लिए लाई थी मैं बेसन की नमकीन घर में, जब खाऊंगी तब बताऊंगी आप लोगों को। तो ठीक है, फिर ज़्यादा ब्लॉग को नहीं खींचते, इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलता है आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों को अपना ढेर सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करना, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो ठीक है, फिर मिलता है आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, जय श्री राम, जय रे भूमि देव, जय उत्तराखंड।